हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज रात के खाने में बन रहा है मेरी सूखी भुजिया। ये गमले से उठाई मैंने, बिल्कुल फ्रेश, और साथ में मक्की की रोटी। तो साथ साथ शाम का टाइम में चाय भी बना रही हूँ मैं, और सब्जी मैंने बारीक काट के धो दी अच्छे से छांट के, और अब लगा रही हूँ मैं इसमें तड़का। सूखी भुजिया बनाऊंगी, इसमें एक से दो आलू डालूंगी मैं। तो ये देखिए करते हैं स्टार्ट, और इसके साथ बना रही हूँ मैं मक्की की रोटी। तो मक्की की रोटी के लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी करें, और गर्म पानी से बहुत अच्छे ढंग से बनती है। तो इसमें डाला है मैंने तड़के में धनिया, साबुत मेथी, जीरा, लाल मिर्ची, हिंग, और बाकी कुछ भी नहीं डाला इसमें मैंने। सिंपल ही तड़का लगा रही हूँ मैं। ये देख सकते हैं हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक कम ही डालना है, पक के बहुत कम हो जाती है हरी सब्ज़ी। तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है, एक दो घंटे पहले उठाई है मैंने बाहर से। तो ये देखिए इस तरह से इसे पकने दे अच्छे से, इतनी देर पकाना है कि बिल्कुल सूख जाए इसका पानी। तो अब करती हूँ मैं, गर्म पानी से आटे को गूंद के रख देती हूँ। ये देखिए इस तरह से अच्छे से गूंदना है, इस तरह से मक्की का आटा इस तरह से थोड़ा जोर लगा के गूंदना पड़ता है। थोड़ा सा गीला हो गया था, थोड़ी गोल भी नहीं बनी मेरे से, और क्योंकि गीला हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया पानी इसमें। थोड़ा सूखा सा रखे जब भी बनाए तो अच्छे से इस तरह से, ये देखें। और गर्म पानी से बहुत अच्छे ढंग से बनती है, बिल्कुल फ्रेश है। मार्केट से परचेज़ किया मैंने आटा जो है, ये मक्की का आजकल आ चुका है मार्केट में, बहुत ही ताज़ा है बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप, गीला हो गया था, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। तो ये देखिए, और धीमी आँच में इसे केने गैस पे, जैसे चूल्हे में बनती वैसे तो नहीं बनती उतनी ज़्यादा अच्छी, तो फूलती नहीं है ये, गैस के धीमी आँच में ही बनानी है, वरना तेज में बनाएंगे तो बाहर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। तो इसलिए धीरे धीरे धीमी आंच में बनाए, कुरकुरी सी। ये देखें इस तरह से, चपाती की तरह भी बना सकते हैं आप, कागज के अंदर कई इस तरह से भी बनाते हैं। तो ये देखिए, आप इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं, और घी और गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, अपनी मर्जी है, जैसे भी खाना चाहे आप। ये देखें इस तरह से, अब मैं सब्जी को देख लेती हूँ, ये भी होने वाली है, थोड़ी सी कसर और है इसमें थोड़ी सी, और इसका पानी बिल्कुल ही हम सूखने देंगे, बिल्कुल सूखी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो आज की वीडियो थी मेरी भुजिया और मक्की की रोटी पे, तो कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा। इस मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर विद कमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।